अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अपने दम घुटने का तो तुम्हें बड़ा एहसास है। इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि तुमने हमें महल्ले भर में। मैडम, वो झोंपड़ी में रहने वाला एक आम सा आदमी है, सुना है उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। शायद आप ये कहना चाहते हैं कि दाऊद उस लड़की में इन्वॉल्व है। क्या तुम इस बात का एतबार करोगे कि वो लड़की जो सड़कों पर हजारों लोगों के बनावटी चेहरे और उनकी बहकी बहकी बातें सुनने और उसका सामना करने के बाद बिलाकर तुम्हारी झोली में आके गिरी है? तुम्हें एहसास ही नहीं है कि एक मामूली इंसान को मैंने कितना बड़ा मकाम देने की कोशिश की, मगर तुम्हें तो कदर ही नहीं है इस बात की। आप मुझे इजाज़त दें, मैं उसे बड़े आराम से समझा सकती हूँ। इसकी वजह से ना सिर्फ उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू होगी बल्कि वो उस लड़के को भी भूल जाएगी, और जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। जबरान वल्ल रजा, आपको राबिया वल्ल अब्दुल कयूम 10,000 मेहर के साथ कबूल है? जी कबूल है। कबूल है। तुम? हाँ मैं। मुझे अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा समरीन। शुक्रिया, तुमने हम दोनों को फिर से मिला दिया। अब इन बातों की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों अंदर जाओ, बातें करो। मैं ठीक एक घंटे बाद आकर तुम्हें लेकर जाऊंगी। तुम्हारा मेरे घर जाना भी बहुत जरूरी है, किसी को यह एहसास ना हो कि हम क्या खेल खेल रहे हैं। अच्छा, खुदा हाफिज़। मैडम, कयूम यही है। मुझे जानते हो? बस सिर्फ इतना कि बहुत बड़े लोग हैं आप, कभी बराबरी नहीं हो सकती। बहुत ही चालाक आदमी हो। ये बताओ कि दाऊद को तो जानते ही होगी। कौन दाऊद? जिसके ऑफिस में तुमने कई चक्कर काटे, 50 लाख की बोली लगाई है अपनी बेटी की। तुम बाप हो या कसाई हो? ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। दाऊद को जानते हो या नहीं? जानता तो हूँ, लेकिन अगर जानते हो ना उसे तो मुझे भी जान लो। उसकी बीवी हूँ मैं। क्या ये सच है कि तुमने अपनी बेटी का 50 लाख में दाऊद से सौदा तय कर लिया था? वो मैडम, बात ये है कि वो मैं सौदा किया था या नहीं? सेठ जी मेरी बेटी से शादी करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनसे पैसा मांगा था। अब इतना पैसा कोई शख्स मेरी बेटी के हाथ मांगने पे मुझे से गरीब आदमी को देता तो कैसे इनकार करेगा आदमी? वाकई बहुत ही शातिर और चलाक इंसान हो। जुबान चलाना और पैतरा बदलना तुम्हें अच्छी तरह आता है। सच कह रहा हूँ मैडम जी, इसी के अलावा और कोई बात नहीं है। झूठ और सच का फर्क करना मैं अच्छी तरह जानती। तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया था कि तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम 2% के इंसान मेरी बराबरी करने का सोचना भी मत, वरना जितना लंबा तुम्हारा जिस्म नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा लंबे मेरे हाथ हैं। और अगर वो तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच गए ना, तो तुम्हारी सांसें उखड़ जाएंगी। जाओ और अपनी बेटी को घर में बिठाओ। उसके बाद अगर मुझे पता चला ना कि तुमने दाऊद से मिलने की या बात करने की कोशिश भी की है, तो मैं तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगी। वहां तुम सड़ते रहना, और वहां तुम्हारा जमानती भी कोई नहीं होगा। अब जाओ यहां से। मैडम, मैं तो माफी की दरख्वास्त कर रहा हूँ। महज यहां से जाने के लिए अगर ये माफी मांग रहे हो ना, तो याद रखना ये माफी बाद में तुम्हारे हलक में हड्डी की तरह फंस जाएगी। और जाते जाते ये बात जान लो कि दाऊद अब तुम्हारे इन झूठे वादों को पूरा करने का अहल नहीं रहा, इसलिए उस पर भरोसा मत करना। जिस दिन उसके सर से मेरा हाथ उठ गया ना,
उसी दिन वो तुम्हारी झोपड़ी के सामने अपना झोपड़ा लगाएगा। फिर करते रहना रिश्तेदारियां दोनों आपस में, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अब जाओ यहाँ से। मेहरबानी अंतम जी, शुक्रिया। इस वक्त सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी बहुत मुश्किल में हूं। तुमसे शादी करके जिस घर में लेकर जाना चाहता था वहां कोई इस बात की तैयारी नहीं है और घर में सबसे झगड़ा चल रहा है, इसीलिए इस वक्त अपने इस दूर से घर में आकर ठहरा हुआ हूं। जैसा भी हो, ये अब हमें ये शहर जल्द से जल्द छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी भगा कर लेके जा सकता हूं, लेकिन भागना इस मसले का हल नहीं है। महविश मेरी जान, इस वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत है ताकि हम कुछ महीने सुकून से गुजार सके, फिर मैं नौकरी कर लूंगा। लेकिन पैसों का इंतजाम होने तक ऐसा ना हो कि मेरी अम्मा कहीं और शादी कर दे मेरी। वो वैसे भी ये बात मेरे कान में डाल चुके हैं। वही ऐसा कुछ नहीं होगा, वो दिन आने से पहले मैं तुम यहाँ से ले चलूंगा। तो ठीक है, लेकिन मेरी तरह तुम भी बेबस हो, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगे, कैसे होगा ये सब? मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की, लेकिन लेकिन क्या? वही सबके सब कंगले, जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आता। ये एक घंटा हो गया, लगता है नसरीन आ गई। अभी तो मेरा जेब ही नहीं भरा था। मजबूरी है। मैं नसीन से कह देती हूँ कि मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। दिलजान, मैं खुद नहीं चाहता कि तुम जाओ, लेकिन इस वक्त हमारी ये गलती पूरा खेल खराब कर देगी। तुम्हें जाना होगा और नसरीन है ना, वो हमारी मुलाकात कराते रहेगी और किसी को शक भी नहीं होगा। I'll miss you too. चलो। सेठ जी, मेरे को तो लगता है कि आप में और हम दोनों में अब कोई फर्क नहीं रहा है। आपकी बीवी से मिलने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ दिनों के बाद मेरे घर के बराबर वाली झोपड़ी में तशरीफ लाने वाले हैं। क्यों ये मनहूस अल्फाज अपने मुंह से निकाल रहे हो? सही से बाजी लगाने दो। आप अपनी बाजी हार चुके सेठ जी। अब बाजी आपकी पहली बीवी लगाएगी और मैं और आप नाचने के अलावा और कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप बताएं। मैं अगर गलत सोच रहा हूँ तो बताए मुझे। खाली दिमाग से सोचोगे तो इसी किस्म की उल्टी सीधी बातें निकलेंगी। हाँ, आप भी तो पेट से सोचते हैं सेठ जी। अगर दिमाग से सोचा होता ना तो हम दोनों अलग अलग और एक साथ अय्याशी कर रहे होते हैं। अब ज्यादा हांको मत और मेरी बात गौर से सुनो। कल सुबह मैं मौलवी लेके तुम्हारे घर आ रहा हूँ। इसमें हंसने की कौन सी बात हो सर जी? मेरे को यह बताए 25 लाख आएंगे कहां से? मुझे पता है एक नंबर के लालची इंसान हो तुम। हाँ सरफराज साहब, 25 लाख का इंतजाम हो गया,
बस सुबह 8 बजे मैं आपसे ले लेता हूँ। अरे एक हफ्ते में वापस हो जाएंगे। आपने सेठ दाऊद को बहुत छोटी चीज समझ लिया। कहीं मेरे को भरम तो नहीं दे रहे सेठ जी है? अब सीधा मतलब क्यों कराओ, कल ठीक सुबह 10 बजे तुम्हारे घर पहुंच रहा हूँ। हाँ, रकम तुम्हारे हवाले करूंगा, फिर निकाह होगा। अब तुम जाओ और कल की तैयारी करो। और हाँ, ये कुछ पैसे रखो राबी के लिए, एक अच्छा सा सूख ले लेना। अरे वाह सेठ जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया सेठ जी, कमाल कर दिया आपने तो। अरे लच्छी इंसान है। अरे शादी के पहले दिन ही काम शुरू कर दिया, कुछ तो अपनी जान का लिहाज करो। अरे कामों से नहीं घबराती मैं, और वैसे भी घर के काम करते हुए कौन से किसी की सेहत पे फर्क पड़ता है। अच्छा बाबा, ये काम वाम छोड़ो, मैं बाहर से खाना लेकर आऊँ, गरम करके लेकर आऊँ। बाहर से क्यों लेके आए, इतने पैसे लगा दिए, मैं घर पे बना लेती। एक दिन में तुम क्या क्या करती, घर के काम भी करती, खाना भी बनाती। जाओ ये गरम करके ले आओ। ठीक है, आज तो मैं खा लूंगी, लेकिन आइंदा बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। जो भी होगा जैसा भी होगा, इस घर में बनेगा, मैं फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, आइंदा जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं क्या तुम असयो नी मेला माई, मेरे पाग जगावन आ गया। सयो नी मेरा माही, मेरे पाग जगावन आ गया। सयो मेरा माही, मेरे पाग जगावन आ गया। सयो नी बस कर, शर्म तो तुझे आती ही नहीं है। घर में आया वो भी आधी रात को, वो भी नशे की हालत में। क्या तो हाल कर रखा है अपना। कौन कहता मैंने नशा किया, न जाने तू कब सुधरेगा। और तेरा मसला यह है कि तू हर वक्त मेरे पीछे लगी रहती है। ये जो तू झूठ बोलता है ना, वो तेरे चेहरे पर छुपता भी नहीं है। ऊपर से कसमें खाने को तैयार हो जाता है, फिर बोलता मेरे पीछे पड़ गई है, पीछे पड़ गई है। पीछे क्यों ना पड़ू। ओ चलो मान लिया मैंने नशा किया, लेकिन मैंने थोड़ा कम नशा किया है। सगीना मैं आज बहुत खुश हूँ, और कल मेरे को 25 लाख वो मिलने वाले हैं। क्या 25 लाख? कौन देगा तुझे? अरे तू देखती जा बस। ये जो तू रोज हमें तमाशा दिखाता है ना, वो तो मैं देखती हूँ। अब कोई नया तमाशा दिखाने वाला है? और तेरे से तो बात करना ही फजूल है। राबी कहाँ है? राबी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बाहर गई है। अब चल तू भी आराम कर। मेरा माही, मेरा पाग जगावर आ गया। सयोनी मर जा, तर मर माही मेरे पाग। खराबी हैं? जब पहली बार तुमने इस घर में कदम रखा था, कि मैं तभी जान गया था कि मेरी जिंदगी में जो खला है वो पूर होने जा रही है।
जिंदगी के कई बरस मैंने तनहा गुजारे हैं। जिंदगी का कई तजर्बात से गुजरा हूं। मुझे अपने नासी के बारे में तुझ को याद। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है ना, तब से मैं भूल गई हूँ कि मैं कौन थी, मेरी महरूमियत क्या थी। अब बस इतना याद है कि मैं खुश हूँ। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो बस फिर तुम भी मेरी तरह अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि जो इंसान माजी में रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बारावी, मेरे कानों को यकीन नहीं आ रहा तुम एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बातें कर रही हो। शायद मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं, और मैंने भी सब वक्त से ही सीखा है। बस अब मैं राबी बन के जिंदा नहीं रहना चाहती। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी पहचान बदलना चाहती हूँ। जब तक ये नाम मेरे साथ जुड़ा है ना, तब तक मैं सुकून से जी नहीं सकूंगी। अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब था। मैं तो डर ही गया था। ठीक है, अगर तुम्हें ये नाम अच्छा नहीं लगता तो तुम बदल सकती हो। मैंने अपना नया नाम भी सोच लिया है। क्या? राबिया। बहुत अच्छा नाम है। आइंदा मैं तुम्हें राबिया कहकर ही बुलाया करूंगा। राबिया। हेलो, सेठ दाऊद बात कर रहा हूँ। अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ। मलिका खुआ को लेकर आ रहा हूँ। राबी को तैयार रख। हाँ, पैसे लाना नहीं भूलना सेठ जी। लेकर आ रहा हूँ। सकीना, ओ सकीना, सकीना, राबी को तैयार कर। क्यों? क्यों का क्या सवाल है? सेठ जी आ रहे, मौली साहब को साथ ला रहे हैं। वो सेठ जी के साथ राबी का निकाह है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक लड़की का दो मर्दों के साथ निकाह कैसे हो सकता है? मैं राबी का निकाह जिब्रान के साथ कर चुकी हूँ। आप बकवास कर रही है। जी बकवास नहीं, सच है। मुझे पता था ना कि शादी के नाम पे तो उस बच्ची का सौदा कर रहा है। ये मेरे भाई से तुझे कर दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। और झूठ बोल रही हो तू। तूने राबी को कहीं छुपा दिया है। और जल्दी से बता
और मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इज्जत तेरी इज्जत होगी तो खाक में मिलेगी ना। ओ मैं इस वक्त तेरी पिट पिट सुनने के मूड में नहीं हूँ। मेरे को राबी का पता बता, वो कहाँ छुपा के रखा है तूने उसे? देख मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना इस वक्त, वो उसमें हम सब की भलाई है। जिस चीज में भलाई थी ना वो मैं कर चुकी हूँ। अब तेरी बेटी इस घर से रुखसत हो चुकी है, अब वो किसी की बीवी है। अब तू मेरे खिलाफ जो करना चाहता है ना कर, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। मार मार मुझे, कुछ भी नहीं होगा। मैं राबे की निकाह कर चुकी हूँ। देख लूंगा मैं, निमट लूंगा, तेरे को देख लूंगा मैं। हेलो, राबी घर पे नहीं है। अगर ये खबर सच है तो याद रखना ये मेरी जिंदगी की बदतरीन खबर और ये जिंदगी का बदतरीन दिन है। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता सेठ जी। राबी अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। बस सेठ जी, इसलिए मेरे को कल तक भी मोहलत दे। मैं राबी को और जमीन में समेट निकाल कर जाऊंगा। तुम्हें ये करना होगा देने के लिए।